नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। बचपन में बोल और सुन नहीं पाने का दर्द मिला, उसके बावजूद कभी हार नहीं मानी। 11वीं तक पढ़ाई इतनी की कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ लेता है। शादी हुई तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पासपोर्ट का काम शुरू किया। अब कारोबार को बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए रुपए की जरूरत थी। उसके पास लोन का एक मैसेज आया, 7वें नंबर था। सुन और बोल नहीं सकता, इसलिए व्हाट्सएप पर चैटिंग की। ठगों ने चैटिंग कर 3 लाख का लोन दिलाने का झांसा देकर उससे 1,83,000 रुपए ठग लिए। उसकी जिंदगी भर की कमाई महज 12 दिन में ठगों ने छिटक ली। गंगाराम कॉलोनी के 30 वर्षीय राजीव कुमार पुत्र श्रीकांत शर्मा को ठगी के बाजीगरों से असहाय पीड़ा मिली है। भतीजे दीपक ने बताया कि चाचा राजीव की राम स्वरूप चौक पर फास्ट फूड की दुकान है, वो उसे फूड वाहन बनाना चाहते थे। 18 जुलाई को चाचा के मोबाइल पर लोन का एक मैसेज आया। चाचा ने नंबर पर चैटिंग की। आरोपी ने अपना नाम संजय बताया और कहा कि वो इंडिया बुल्स धनी लोन फाइनेंस इंडिया में तैनात है। झांसे में लेने के लिए उसने अपना आधार कार्ड, कंपनी का आई कार्ड भेज दिया। चाचा ने 20 जुलाई को लोन के लिए उसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट समेत अन्य दस्तावेज भेजे और ठग के कहने पर प्रोसेस फीस 2500 रुपए भी दीजिए। आरोपी ने लोन का फर्जी स्वीकृति पत्र भेज दिया। लोन की राशि 3 लाख रुपए, अवधि 5 साल और किश्त 5,661 रुपए थी। बाद में अलग अलग चार्ज और लोन पास होने के फर्जी कागजात भेजकर और रुपए एक लिए। 29 जुलाई तक 1,83,470 रुपए एक लिए। भतीजे ने बताया कि 1,83,000 रुपए वसूलने के बावजूद लोन के 3 लाख रुपए नहीं मिले। अब ठग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज के नाम पर 9,500 रुपए मांग रहे हैं। शक होने पर चाचा ने रुपए जमा नहीं कराए तो ठग लोन पास नहीं होने की धमकी दे रहे हैं। ठगी के बाद चाचा ने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजन थाने में गए और शिकायत की। ठगी के बाद चाचा परेशान है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की मदद से ठगों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस कब तक इन ठगों को काबू कर पाती है। पानीपत से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। नहीं, इनसे ऑनलाइन चैटिंग हुई थी तो उसी पे इनको मतलब बिजनेस के लिए लोन लेना था, फूड वैन के लिए। फास्ट फूड का इनका दुकान है रामस्वरूप चौक पे, उसी के लिए इनका फूड वैन के लिए लेना था लोन। 3 लाख का लोन करवा रहे थे, किसी को घर में बताया नहीं, अकेले सारा किए। तो इनको मतलब वहाँ से बोला गया लोन के लिए, तो इनसे अलग अलग तरह का चार्ज करके ना पैसा करीब 1,83,000 रुपया ले लिया गया। बार बार करके अकाउंट नंबर भी सारा भेजा व्हाट्सएप पे, सारा इन्होंने फ़ोनपे किया और वही इनका लोन तो हुआ नहीं। पुलिस को शिकायत दी? हाँ, पुलिस को शिकायत दी है। पुरानी औद्योगिक जो है ना, ओल्ड इंडस्ट्री थाने में दी है, FIR हो गई है। कितने पैसे दिए, कितनी बार करके दिए? करीबन 10-12 बार में दिया होगा। 10-12 बार? हाँ, 10-12 बार। कितने रुपए? पहले तो 2500 रुपए गए, फिर 8600 गए, फिर उसके बाद बढ़ते गए। वैसे ही लास्ट इनका है दिया हुआ 24,600। अभी भी आज भी सुबह का मैसेज है, उनका चैट है, 9500 रुपये आज भी मांग रहा है। कितना टोटल कितना गया? टोटल 1,83,400 कुछ है। पता नहीं चला कौन लोग हैं ये? ना सर, सारा मुंबई से ऑनलाइन। मुंबई से? नाम क्या? लोग देते गया, संजय कुमार। आपका नाम क्या? मेरा नाम दीपू कुमार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।